राहुल गांधी के सूरत कोर्ट पहुंचने तक किस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थन कर रही है और राहुल गांधी की आवाज को बुलंद कर रही है, इसका उदाहरण आप कांग्रेस के तमाम मंत्रियों को लेकर देख सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली से सूरत हल्ला बोला जाता है और तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, इससे साबित होता है कि राहुल गांधी अब हार मारने वालों में से नहीं है। दरअसल एक मुद्दा चलता है राहुल गांधी को लेकर मोदी सरनेम पर, जो 4 साल पहले उठना चाहिए था लेकिन 4 साल बाद जाके उठता है और तमाम चीज़ें की जाती हैं। कर्नाटक की रैली में वो ये बयान देते हैं और उस रैली में मोदी सरनेम वाले चोर को घेरते हैं। अब ऐसे में वो उन भगोड़ियों को घेरते हैं लेकिन मिर्ची लग जाती है यहाँ देश में मौजूद प्रधानमंत्री के समर्थकों को और तमाम भारतीय जनता पार्टी को। अब इसी के तौर पर सजा सुनाई दी जाती है, 2 साल की सजा हो जाती है, संसद सदस्यता रद्द हो जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं राहुल गांधी के साथ। तो अब ऐसे में राहुल गांधी ने अपना बचाव करते हुए और अपनी बेल को लेकर सूरत कोर्ट का रुख कर दिया है। सूरत कोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दी है 2 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर और इसके मौके पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में काफ़ी कुछ कहा गया, उनके फैसले में काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उसी से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो काफ़ी कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं जब उनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी रिहा हो जाएंगे, राहुल गांधी से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी उनकी। तो ऐसे में काफ़ी कुछ खुलासे मल्लिकार्जुन खड़गे भी करते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट कि क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सूरत क्या वो वापस लोकसभा लौट के आएंगे एमपी के तौर पे? देखिए कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा, अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के तौर से इसकी तनख्वाह यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते, उसको टालने की कोशिश कर रहे और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देंगे। ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है, वहाँ जिस तरह से बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तीनों मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं वहाँ, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है सर। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस में जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं, तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। अब ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। थैंक यू सर। जैसा कि आपने उनको सुना, साफ सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये तो फैसला कोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन हमारी तो यही राय है कि यहाँ पर राहुल गांधी की जीत हो चुकी है और तमाम जनता उनके साथ भी मौजूद है। अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जिस तरीके से आने वाले चुनाव में कांग्रेस उभरती जा रही है, इस उभरतेपन को लेकर आपका क्या कहना है कि कांग्रेस टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।